दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप मस्ट को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाएं सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टॉप मस्ट में। दोस्तों, अपने दौर की खूबसूरत अभिनेत्रियों में शामिल आशा पारेख को भला कौन नहीं जानता। फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से सबका मनोरंजन करने वाली आशा पारेख ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और उनकी कई हिट फिल्में हैं जिनकी वजह से आज भी लोग उनको पसंद करते हैं। ये बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई और वहीं कुछ फिल्मों के लिए इन्हें आज भी याद किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आशा पारेख के पति के बारे में? वो कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही आशा पारेख के अभिनय के लिए एक लाइक तो बनता है। 1960 के दशक में अपने अभिनय की प्रतिभा से सभी को हैरान कर देने वाली अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ था। इनका पारिवारिक माहौल काफी धार्मिक था जिसकी वजह से ये छोटी उम्र में ही भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने लगी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म आसमान से की, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड में बेबी आशा के नाम से भी जाना गया। इन्होंने बतौर फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अलग अलग भूमिका निभाई। जब इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था तब उन्हें स्कूल जाना छोड़ना पड़ा, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए इन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरियां बना ली, जिसके बाद लगभग 16 साल की उम्र में ये फिर से फिल्म जगत में आई। लेकिन फिल्म गूंज उठी शहनाई में निर्देशक विजय भट्ट ने इनके अभिनय की प्रतिभा को नजरअंदाज कर दिया और इन्हें फिल्म में लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, लेकिन अगले ही दिन इन्हें दूसरी फिल्म दिल देखे देखो में आशा को शमी कपूर की नायिका बना दिया। ये फिल्म बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। इसके बाद तो इन्होंने तुलसी तेरे आंगन की, दो बदन, कटी पतंग, तीसरी मंजिल जैसी कई फिल्मों में काम किया जो कि जबरदस्त सुपरहिट रही। फिल्मों में अभिनय करने के बाद आशा ने फिल्म निर्देशन में भी हाथ आजमाया और उन्हें वहां भी सफलता मिली। इन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया। दोस्तों, आशा पारेख अपने अभिनय के लिए ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। इन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय के दम पर बॉलीवुड में राज किया और आज वे बॉलीवुड में किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। लेकिन अगर बात करें आशा पारेख के निजी जिंदगी की तो आपको बता दें कि फिल्म दिल देखे देखो के दौरान आशा पारेख और नासिर हुसैन एक दूसरे के काफी करीब आ गए और ये मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गई और वे जल्द ही शादी करने वाले थे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे, जिसके कारण नासिर हुसैन के परिवार वालों ने उनकी बात नहीं मानी और ये रिश्ता टूट गया और यही वजह है आशा पारेख ने आज तक शादी नहीं की। दोस्तों, आपको आशा पारेख की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। गुड बाय, नमस्कार।